शुरुआत करेंगे सबसे पहले मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल रात भर ईडी दफ्तर में रखी गई। वहीं आज सुबह सुमन सिंह को कार्यालय लाया गया। आज फिर ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है। इधर सीए सुमन कुमार ने ईडी कार्यालय में गुरुवार को हुई पूछताछ में स्वीकार किया कि मैडम यानी कि पूजा सिंघल का भी मेरे पास पैसे है। उसने कहा कि जब्त करोड़ों रुपए में से कुछ पैसे आईएएस पूजा सिंघल के भी है। हालांकि इसमें उनका कितना पैसा है इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इधर सीए सुमन कुमार से पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर ईडी ने 12 मई को सुबह 6:30 पर बिल्डर गोविंद सरावगी के कांके रोड स्थित घर पर छापा मारा। इस बिल्डर का संबंध पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। छापेमारी में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दोपहर करीब 11:30 तक चली छापेमारी के दौरान बिल्डर के ठिकाने से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। बिल्डर के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने की आशंका है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भी निवेश के पहलुओं की जांच हो रही है। इधर सुमन सिंह के मोबाइल से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। उसके ऑफिस सर्वर से भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19.31 करोड़ रुपए की नकदी जब्त कर उसे पीएनबी के खाते में जमा कराया। अधिकारियों ने बताया कि सीए के परिसर से लगभग 17.60 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। गिनती में 200, 500 और 2000 रुपए के कुछ नकली नोटों के भी पाए जाने की सूचना मिली। इन नोटों के सीरियल नंबर ईडी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। तो पूजा सिंघल के ईडी रिमांड में दूसरा दिन रात भर ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल को रखा गया। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का तमाम जानकारी के लिए। अंजनी, जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है, बारी बारी से पूछताछ की जा रही है, दूसरा दिन है आईएएस पूजा सिंघल का, ईडी कार्यालय में एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। कई ऐसे सवालात जिसके जवाब ना तो पूजा सिंघल ने दिए, ना ही सीए सुमन कुमार ने दिए, और ना ही उन सवालों के जवाब अभिषेक झा के पास मिले। इसके साथ साथ बिल्डर गोविंद सरावगी के कांके रोड स्थित घर पर ईडी का छापा पड़ा, क्योंकि पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पर खड़ा हुआ है उस जमीन की खरीद फरोख्त लेन देन से सरावगी ब्रदर्स का भी नाम सामने आ रहा। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, हम लोग ईशान शुरुआती दौर से ही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ईडी के मुख्यालय में पूछताछ होगी और नए नए जो कड़ियाँ हैं और नए लोकेशन पे छापामारी भी होगी, और उसी का नतीजा था कि कल जो है ईडी का छापेमारी रांची में हुई और कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। किस तरह से पल्स हॉस्पिटल की खरीद बिक्री हुई, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ईडी को मिला, तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो लिंक हैं वो धीरे धीरे परत दर परत वो खुलते जा रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है एयरपोर्ट रोड में, 8:30 के करीब जो है 8:30 और 9 के आसपास तमाम लोग यहाँ पहुँचने लगे थे, पहुँचे भी हैं। और सुमन सिंह को भी, जो सीए रहे हैं सुमन सिंह, उनको भी लाया गया पूरे सुरक्षा के साथ, और ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर यहाँ पहुँचे। और जो सूचना है कि पूजा सिंघल को इसी दफ्तर में रखा गया है, पूछताछ भी हो रही है, काफ़ी मतलब गुस्से में भी नज़र आती है, और जो है कहीं ना कहीं एक मन में कई तरह के सवाल उनके उमड़ रहे हैं, और लेकिन उससे ज़्यादा सवाल ईडी के पास उमड़ रहे हैं। तो उनके मन में सवाल ज़रूर हैं, लेकिन जवाब देने में कोताही ज़रूर हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी समझती कि तमाम चीज़ें जो हैं गलत करते रही थी, और इस गलत काम को, अवैध काम को, भ्रष्टाचार के काम को करने में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है जिसान, जैसे परिजन होंगे, मित्र होंगे, उसके बाद यदि देखेंगे तो अभिषेक झा के कई मित्र परिजन भी हैं। और अब जो सूचनाएं मिली हैं कि तमाम लोगों के जो बैंक खाते हैं उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ईडी धीरे धीरे ले रहा है, और जहां जहां से जो लिंक मिल रहे हैं उस पर छापेमारी भी लगातार हो रही है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभिषेक झा को किसी भी समय अचानक बुलाया जाता है और पूछताछ होती है। अब तीनों लोग यहीं पर हैं,
और चौथा जो कल थे सरावगी बंधु जो पंचवटी बिल्डर्स हैं उस पे कई उस पे भी उनसे भी कई सवाल जवाब के बाद कई कई जवाब जो मिले हैं जिससे भी ईडी के कान खड़े हो गए हैं कि आखिर ये तमाम जो चीज़ें हैं कितने बारीकी तौर से और कितने जो पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम चीज़ों को किया जाता रहा है। तो यही वजह है कि अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ईडी दफ्तर में अब जो जॉइंट डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो और ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो दिल्ली में तमाम चीज़ों का की मॉनिटरिंग करते हैं और एक एक अपडेट जो है ईडी दफ्तर से दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से दिशा निर्देश भी मिलते हैं। तो शिकंजा ईडी का जो शिकंजा है ईडी की जो दबिश है कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों को परेशान कर रही है। परेशान इसलिए हो रहे हैं कि सही मायने में जो सही उत्तर देना है सही जानकारी देनी है उसको छिपाने का प्रयास हो रहा है लेकिन आप चाह कर भी नहीं छिपा सकते हैं। देखिए आज पूजा सिंघल के रिमांड का दूसरा दिन है और अभी तीन दिन और बचे हैं तो जिस तरह से खबरें हैं कि यदि तमाम जानकारियां मिल जाएंगी तो रिमांड की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि फिर से दो से तीन दिनों का जो रिमांड की अवधि जो 16 तारीख को ख़त्म होगी तो उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। वो तमाम चीज़ें निर्भर करती है कि किस तरह से ये सहयोग करते हैं ईडी को और अभिषेक झा किस तरह से सहयोग करते हैं लेकिन फिर भी जब तमाम चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ईडी को मिल ही रहा है कई स्रोत हैं ईडी के कोई एक एक स्रोत नहीं है ईडी के पास तमाम इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशनों को जो है इन लोगों से सवाल के तौर पे पूछा जाता है क्लैरिफिकेशन किया जाता है और यदि जवाब नहीं देते हैं तो वहाँ मामला फंसता नजर आता है लेकिन कई सवालों का जवाब जो है उन्होंने दिया है और जिससे ईडी जो है और रेस होने वाली है और धीरे धीरे जो तमाम जो शिकंजे हैं तमाम जो दबिश हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हो सकता है कि आज भी रांची में या दूसरे राज्यों में हो सकता है कि नए लोकेशन में ईडी की छापेमारी हो सकती है। ये बात आपने सही कहा, ये बात आपने सही कहा अंजनी कि पूछताछ का दौर लंबा हो सकता है। जैसे कि एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई गई सुमन कुमार की, आज दूसरा दिन है पूजा सिंघल से पूछताछ का, तीन दिन और बाकी है लेकिन पूछताछ के दरमियान जो नए नामों का खुलासा होगा, मसलन कि अग्रवाल दंपति की बात कोलकाता में की जा रही है, कई ऐसे शेल कंपनियों का निर्माण किया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसों को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे, जो नए नाम आएंगे उनको समन जारी किया जाएगा, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ के बाद वापस से फिर से इनसे पूछताछ होगी। तो ये बात तो सही है कि पूछताछ की अवधि जो है कहीं ना कहीं उसमें इजाफा देखा जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है अंजनी कि और किन नए चेहरों को बुलाया जाता है ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए जो इस पूरे सिंडिकेट में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं। अंजनी ये ईशान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तमाम जो एक साम्राज्य खड़ा किया गया वो पैसे का साम्राज्य हो या हॉस्पिटल का साम्राज्य हो तो और कहीं बड़े बड़े निवेश जो किए गए हैं ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें कई लोग हैं। और यही वजह है कि देखिए कई जो आईएएस अधिकारी हैं वो रडार पे हैं और कई आईएएस अधिकारियों की जो लिस्ट है राजभवन के मार्फत गृह मंत्रालय को भेजा गया है तो आप समझ सकते हैं कि कई लोग जो हैं बड़ा मेल प्रेम बढ़ाते हुए पैसे से लोगों ने इतनी मोहब्बत कर ली कि अब जो है मोहब्बत जो है अब धीरे धीरे फीका हो रहा है। तो अब समय आ रहा है वैसे तमाम लोगों को जो आईएएस अधिकारी हैं हो सकता है कई राजनेता भी होंगे तो ये पर्दे के पीछे जो भी लोग हैं और सरकार भी जो ईडी भी चाहती है कि जिस तरह से राज्य में जो बड़ा करप्शन का मामला मिला है और कहीं ना कहीं जो करप्ट लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है तो अब जिस तरह से देखिए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जो कार्रवाई हुई है ईडी से पूछताछ हो रही है तो वैसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें भी अब सुधरने का समय आ गया है लेकिन कई लोग उसके लपेटे में भी आएंगे। देखिए पूजा सिंघल की गिरफ्तारी जो है पूरा देश देख रहा है और एक मैसेज भी जा रहा है कि जो अधिकारी बन रहे हैं उन्हें कम से कम ईमानदारी से नैतिकता से जो है अपनी
जो देश सेवा का जो प्रण लेते हैं कि देश की सेवा करना है, मेहनत करते हैं। कई देखिए ईशान, देश में कई आईएएस अधिकारी हैं, उनके कार्यशैली को आप देखेंगे यूट्यूब इस सब में तो कितने लोकप्रिय होते हैं। वो मतलब अपना घर नहीं बना वैसे पाए तमाम, लेकिन वैसे तमाम राज्य का प्रखंड का विकास जो करप्शन में शामिल है या इस पूरे सिनेरियो में जिनका रोल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी भी नींदें उड़ चुकी है। लगातार पूछताछ हो रही है, कई नए नाम भी जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारी के लिए। पूछताछ का आज दूसरा दिन है, हालांकि इस दौरान तबियत भी बिगड़ रही है, कई बार फ्लैक्चुएट हो रहा ब्लड प्रेशर आईएएस पूजा सिंघल का और उन्हें दवाइयां दी जा रही है पूछताछ के दौरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।